देखिए, यदि क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि आप प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कीजिए और जबकि आपको स्ट्रेंथ दी हुई हो, यहाँ पर जो एप्सिलॉन वन है और एप्सिलॉन टू है ना, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है प्रिंसिपल स्ट्रेंथ की वैल्यू। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल स्ट्रेंथ दी हुई हो या फिर ये दिया हुआ कि एक रियो सेट सेट है, एक 0 पे है, एक 90 पे है, एक 45 पे है, तो वहाँ से आपको स्ट्रेंथ की वैल्यू मिलेगी। तो वहाँ से आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, जिसको कि हम बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेंथ। फिर वहाँ से सिग्मा वन एंड सिग्मा टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। माना कि यदि मैं इसको नाम देता हूँ सिग्मा वन, सिग्मा वन, सिग्मा वन इजिकल टू क्या हो जाएगा? ई एप्सिलॉन वन प्लस म्यू एप्सिलॉन टू वन माइनस म्यू स्क्वायर। यहीं पर यदि मैं लिखता हूँ सिग्मा टू इजिकल टू कितना हो जाएगा? ई ई, ठीक है ना? जो म्यू है ना, वो म्यू वो एप्सिलॉन वन के साथ चला जाएगा। सिग्मा टू इजिकल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन टू प्लस म्यू एप्सिलॉन वन अपॉन वन माइनस म्यू स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर सिग्मा वन है तो एप्सिलॉन वन रहेगा, और सिग्मा टू है तो एप्सिलॉन टू रहेगा, ठीक है? और यहाँ पर जो नहीं है उसके साथ म्यू रहेगा। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू। यदि आपको प्रिंसिपल स्ट्रेंथ दी हुई है तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।